हेलो स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर फोर है। क्वेश्चन नंबर फोर में हमें गिवन है कि मेरे पास फाइव डिजिट्स हैं, 1, 2, 3, 4 एंड 5। उसमें से मुझे फोर डिजिट का नंबर बनाना है, ठीक है। और जो फोर डिजिट का नंबर होगा वो एक इवन नंबर होना चाहिए। तो बताना है कि कितने नंबर्स बनेंगे। मेरे पास डिजिट्स हैं, नंबर्स हैं 1, 2, 3, 4 और 5, ठीक है। ये मुझे गिवन है, इनका यूज करके मुझे फॉर्म्ड करना है। क्या फॉर्म्ड करना है? एक फोर डिजिट का नंबर, ठीक है। अब ये नंबर इवन होना चाहिए, ठीक है। इवन के लिए मुझे पता है कि जो लास्ट प्लेस है वहाँ पे क्या आना चाहिए, 2 या 4 आना चाहिए, ठीक है। तो हम लिखें टू फॉर्म इवन नंबर वी मस्ट गेट टू और फोर एट वंस प्लेस। तो वंस प्लेस पे 2 और 4 तो होना ही चाहिए। अब नंबर कितने डिजिट का है? 4 डिजिट का है। तो बॉक्स बनाए जैसे हमने फर्स्ट एक्सरसाइज में जैसे बनाते थे। अब यहाँ पे तो च्वाइस होगी दो, या तो 2 आएगा या 4 आएगा। च्वाइस कितनी आ गई? 2 आ गई मेरे पास। तो ये तो हो गया 2। अब बच गए कितने? 3 प्लेस बच गए। कुल मिला के कितने थे? 5 थे, 5 में से एक गया, तो ये कितने बच गए? 4, ठीक है। 4 में से कितने का यूज करना है? 1, 2, 3 का यूज करना है। तो 4p3 परमुटेशंस हो जाएंगी। तो टोटल नंबर ऑफ इवन नंबर, टोटल नंबर ऑफ इवन नंबर्स आर, नंबर आर फॉर्म्ड, ये हो जाएंगे 2 इंटू में। ये 2 कौन सा है जो यहाँ पे च्वाइसेज है? कितनी च्वाइसेज है? 2 च्वाइसेज है, या तो 2 आएगा या 4 आएगा। उसके बाद 4p3, तो ये हो जाएगा 2 इंटू में 4 फैक्टोरियल अपॉन में 4 माइनस 3 इसका फैक्टोरियल। तो ये हो गया यहाँ पे 2 इंटू में 4 फैक्टोरियल अपॉन में 4 माइनस 3 कितना हो गया? 1। तो नीचे 1 का फैक्टोरियल, इसको हम लिख सकते हैं 2 इंटू में 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1। डिवाइड में तो 1 है, 1 लिखने का कुछ फ़ायदा नहीं है। तो इनकी मल्टीप्लाई की तो कितना आ गया? 24 2 जा 48। तो इवन नंबर कितने आ जाएंगे मेरे पास? 48 इवन नंबर्स आ जाएंगे, ठीक है। हमें यही बताना था कि इवन नंबर्स कितने होंगे। क्वेश्चन नंबर 4 आपका कंप्लीट हो गया। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 5 है, क्वेश्चन नंबर 5 में हमें गिवन है कि मेरे पास कोई कुल मिला के 8 मेंबर्स हैं, ठीक है। कुल मिला के मेरे पास 8 मेंबर हैं, और इनमें से मुझे 2 पोस्ट बनानी है, एक तो चेयरमैन और एक वाइस चेयरमैन, ठीक है। कुल मिला के 8 इंसान हैं, उनमें से किसी 2 को, एक को चेयरमैन बनाना है और एक को वाइस चेयरमैन बनाना है। तो मेरे पास कुल मिला के कितनी च्वाइस हैं कि किन 2 को मैं चेयरमैन और वाइस चेयरमैन बनाऊं, ठीक है। तो कुल मिला के मेम्बर्स कितने हैं? 8। यूज कितने का करना है? 2 का करना है। तो हम लिखेंगे टोटल नंबर ऑफ च्वाइसिस, या फिर टोटल नंबर ऑफ परमुटेशंस, टोटल नंबर ऑफ परमुटेशंस आर, ये हो जाएंगी 8p2, ठीक है। इसको हम क्या लिख सकते हैं? 8 का फैक्टोरियल अपॉन में 8 माइनस में 2 इसका फैक्टोरियल, और ये कितना हो जाएगा? 8 × 7 × 6 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाई 8 माइनस 2, कितना हो गया? 6 फैक्टोरियल, इससे कैंसिल आउट हो गया। 8 × 7 कितना हो गया? 56। तो मेरे पास कितनी च्वाइसेस आ गई यहाँ पे? 56 च्वाइसेस आ गई
कि मैं एक को चेयरमैन बना सकता हूँ और एक को वाइस चेयरमैन बना सकता हूँ। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5 भी आपका कंप्लीट हो गया। क्वेश्चन नंबर 6 है, उसमें मुझे ऐसा कुछ दे रखा है, एन की वैल्यू मुझे फाइंड करनी है, फाइंड एन कि एन की वैल्यू क्या होगी। सिंपली हम इसको क्या लिख सकते हैं, एन माइनस वन पी थ्री, जो पीछे है वो नीचे आ गया, एन पी फोर इक्वल टू वन अपॉन नाइन, रेशो में था इसको डिवाइड में लिख लिया। अब एन माइनस वन पी थ्री को हम लिख सकते हैं एन माइनस वन इसका फैक्टोरियल अपॉन में एन माइनस वन माइनस थ्री इसका फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय, इसको मैं लिख सकता हूँ एन का फैक्टोरियल अपॉन में एन माइनस फोर इसका फैक्टोरियल इक्वल टू वन अपॉन में नाइन। ये बात हो गई, ठीक है, एन माइनस वन फैक्टोरियल एज इट इज, ये हो गया माइनस का वन माइनस का थ्री, माइनस फोर हो गए, इसको लिख दिया एन माइनस में फोर इसका फैक्टोरियल होल डिवाइडेड बाय एन फैक्टोरियल को लिख दूंगा एन इंटू में एन माइनस वन इसका फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय एन माइनस फोर इसका फैक्टोरियल इक्वल टू वन अपॉन में नाइन। इससे कैंसिल आउट हो गया, इससे ये कैंसिल आउट हो गया, मेरे पास क्या बच गया, वन अपॉन में नाइन इक्वल टू वन अपॉन में एन, वन अपॉन एन इक्वल हो गया वन अपॉन में नाइन। इनका रेसिप्रोकल किया, दिस इम्प्लाइज एन की वैल्यू कितनी आ गई मेरे पास, नाइन आ गई, यही मुझे फाइंड करना था। क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। क्वेश्चन नंबर 7 है, 7 में दो पार्ट्स हैं हमारे, 7 का फर्स्ट पार्ट ये है, सेकंड पार्ट ये है, दोनों पार्ट्स में हमें आर की वैल्यू फाइंड करनी है। देखो फर्स्ट पार्ट, ये 5 है, ऊपर आ गया 5 का फैक्टोरियल, इसको लिख दें 5 माइनस में आर इसका फैक्टोरियल, यहाँ पे 2 एज इट इज 6 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाई, इसको लिख दें 6 माइनस में आर माइनस का 1 और इसका फैक्टोरियल, यह आ जाएगा 5 फैक्टोरियल एज इट इज, 5 माइनस में आर का फैक्टोरियल ये भी एज इट इज, क्योंकि 5 तो 6 से वैसे ही छोटा है, जो बड़ा है उसको खोलेंगे, 6 फैक्टोरियल है, इसको क्या लिख दूंगा 6 इंटू में 5 का फैक्टोरियल डिवाइडेड बाई 6 हो गया माइनस में आर और माइनस माइनस प्लस का 1 ये आ गया मेरे पास 5 फैक्टोरियल से 5 फैक्टोरियल कैंसिल आउट हो गया। ठीक है, 6 और 1 कितना हो गया 7, यहाँ पे आ गया 1 अपॉन में 5 माइनस आर इसका फैक्टोरियल इज इक्वल टू 2 इंटू में 6 कितना हो गया 12 डिवाइडेड बाई 7 माइनस में आर इसका फैक्टोरियल। अब 7 बड़ा होगा या 5 बड़ा होगा, 7 बड़ा होगा तो इसको हम लिख दें 1 अपॉन में 5 माइनस में आर इसका फैक्टोरियल इज इक्वल टू 12 अपॉन में 7 माइनस आर, 7 में 7 गया 6 माइनस आर, 1 गया तो 5 माइनस आर इसका फैक्टोरियल, यहाँ तक खोल दिया क्योंकि इससे अब ये कैंसिल आउट हो जाएगा, ये दो चीज़ डिवाइड में है, इस साइड में आके मल्टीप्लाई में, ये हो गया 7 माइनस आर 6 माइनस आर इजिकल टू 12, 7 की 6 के साथ मल्टीप्लाई की कितना हो गया 42, 7 की आर के साथ मल्टीप्लाई माइनस में आर, आर की 6 के साथ मल्टीप्लाई माइनस का 6 आर, आर की आर के साथ मल्टीप्लाई प्लस में आर स्क्वायर किसके इक्वल है 12 के, ये 12 हो गया, 42 माइनस में माइनस के 7 माइनस के 6 13 आर प्लस में आर स्क्वायर, ये प्लस का है तो इस साइड में आगे माइनस का इक्वल टू 0, 42 में से 12 गए तो कितने बच गए 30,
ये हो गया आर का स्केयर माइनस में 13 आर प्लस में 30 इक्वल टू 0। फैक्टराइज करना ऐसे दो नंबर चाहिए, मल्टीप्लाई करें तो कितना आए 30, ऐड करें तो 13, फैक्टर क्या हो जाएंगे 10 और 3। तो आर स्केयर माइनस में 10 आर माइनस का 3 आर प्लस में 30 इक्वल टू 0। फर्स्ट दो में से आर कॉमन आ गया, आर माइनस में 10, लास्ट के टू में से माइनस का 3 कॉमन, आर माइनस का 10, कंप्लीट में से आर माइनस का 10 कॉमन, तो यहाँ पे बच गया आर माइनस का 3 इक्वल टू 0। तो आर की वैल्यू या तो 10 आएगी या फिर 3 आएगी। अगर के आर की वैल्यू होगी 10 तो कितना हो जाएगा 5P10। और मैंने बताया था कि जो नीचे वाली वैल्यू है ऊपर वाले से ज़्यादा नहीं हो सकती, तो 10 वैल्यू तो हम ले नहीं सकते, ये तो गलत है, लेकिन 3 वैल्यू हम ले सकते हैं। तो यहाँ से आर की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 3 आ जाएगी। ठीक है, फर्स्ट पार्ट कंप्लीट हो गया। इसके बाद सेकंड पार्ट करना है, सेम एज इट इज होगा। सेकंड पार्ट में मुझे दे रखा है 5PR इक्वल टू, यहाँ पे 2 नहीं है बस, बाकी सब कुछ सेम है। तो ये हो जाएगा 5 फैक्टोरियल अपॉन में 5 माइनस में R, इसका फैक्टोरियल इज इक्वल टू 6 फैक्टोरियल अपॉन में 6 माइनस में R माइनस का 1 कंप्लीट फैक्टोरियल। इसको लिख दें 5 फैक्टोरियल अपॉन में 5 माइनस R फैक्टोरियल, ये हो गया 6 × 5 का फैक्टोरियल अपॉन में 6 माइनस R माइनस माइनस प्लस 1 फैक्टोरियल, इससे कैंसिल आउट हो गया, यहाँ पे बच गया 1 अपॉन में 5 माइनस में R इसका फैक्टोरियल इज इक्वल टू, बच गया 6 ऊपर, 6 और 1 7 नीचे, माइनस का R इसका फैक्टोरियल। तो 1 अपॉन में 5 माइनस R ये तो एज इट इज, और इसको खोल दिया 6 अपॉन में 7 माइनस R 6 माइनस में R 5 माइनस में R इसका फैक्टोरियल, इससे एक चीज़ कैंसिल आउट होगी। अब ये डिवाइड में इस साइड में आके मल्टीप्लाई में, तो 7 माइनस में R 6 माइनस में R इक्वल टू 6 हो गया। अब इन दोनों की प्रोडक्ट करनी है, इन दोनों की प्रोडक्ट करें 6 की 7 के साथ वही 42 आएगा, उसके बाद 7 की R के साथ वही माइनस का 7R, R की 6 के साथ माइनस का 6R, R की R के साथ R स्क्वायर, किसके इक्वल, अब 6 के इक्वल है। ये हो गया 42 माइनस का 13R प्लस में R स्क्वायर, और ये इस साइड में आगे माइनस का 6 इक्वल टू 0, ये टर्म आ गई। R स्क्वायर एज इट इज, माइनस का 13R एज इट इज, 42 में से 6 गए, 36 इक्वल टू 0। अब हमें ऐसे दो नंबर चाहिए, मल्टीप्लाई करें तो 36 आए, ऐड करें तो 13 आए, नंबर हो जाएंगे 9 और 4। तो R स्क्वायर माइनस का 9R माइनस का 4R प्लस में 36 इक्वल टू 0। इन दो में से R कॉमन है तो R माइनस का 9, लास्ट में से माइनस 4 कॉमन, R माइनस का 9 इक्वल टू 0। यहाँ से आ गया R माइनस का 9 इंटू में R माइनस 4 इक्वल टू 0। R की वैल्यू क्या आएगी, या तो 9 या फिर 4। अगर के R की वैल्यू दे दी 9 तो क्या हो जाएगा 5P9, नीचे वाला फिर से बड़ा हो गया, 9 तो हम ले नहीं सकते, ये तो गलत है। तो R की वैल्यू क्या हो जाएगी, 4 हो जाएगी। ठीक है, किस नंबर 7 कंप्लीट हो गया।